बड़ी खबर है सीधी से, जहां सीधी पुलिस आखिरकार 52 दिन बाद श्रीकार मामला में एक आरोपी का गिरफ्तार कर पाई है और एक आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पूरी खबर लेके आए हैं जो उन्हें अपना पति बताई दी कि बीते 16 जो है जुलाई का सोन नदी में भई सेरे गई साल के छत बिछत अवस्था में जो है सोन नदी के किनारे लाश मिली रही और वो मां परिजनन के द्वारा हत्यारा का ढूंढ़े खीतिर लगातार कलेक्ट्रेट से लेके एसपी कार्यालय से लेके खूब प्रदर्शन की इनका अंततः 52 दिन बाद पुलिस के द्वारा एक संदेही और वह आरोपी का गिरफ्तार की इनका है। ओकर साथी अब पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। विन क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बाहम कर तिवारी अपना पंजन का सब जने का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी एक बड़ी खबर के जो ने अपना प्रोजेक्ट बताया थी कि सीधी माह 2 माह पूर्व जो है ग्राम डेमहा अंतर्गत सोन नदी के किनारे भय अंधी हत्या के हत्यारा सिंटुल रावत पिता रामाधार रावत उम्र 30 वर्ष निवासी डेमहा का दिनांक जो है 11/9/2021 का जमोड़ी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके अंधी हत्या के पर्दाफाश करके बड़ी कार्यवाही की गई ही। दिनांक जो है अपना बजट बताया थी 16 जुलाई का ग्राम डेमहा क्षेत्र अंतर्गत जो है सोन नदी के पानी के किनारे मृतका के लाश नग्न अवस्था में सोन नदी के पानी के किनारे डिकम्पोज स्थिति में पाई गई रही, जो परिजनन के सूचना पर मर्ग कायम करके जांच के पश्चात जो है अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध के पंजीयन की जाए के जमोड़ी पुलिस द्वारा विवेचना की गई रही। विवेचना के दौरान पावा गया रहा कि मृतका दिनांक 14/7/2021 का बड़े सुबह जो है भैंस ढूंढे खातिर सोन नदी के किनारे ग्राम डेमहा के तरफ गई रही, जिनकर सुबह 7:25 तक परिजनन से मोबाइल में बात भय एक के बाद उनकर मोबाइल बंद हो गया। घर परिवार के कोनो सदस्य से कोनो संपर्क नहीं भा, घर वापस नहीं आई एवं दिनांक 16/7/2021 का उनकर लाश सोन नदी के पानी के किनारे पाई गए। सौ के साथ मृतका के मोबाइल नहीं मिला। साइबर सेल के मदद से पुलिस टीम द्वारा अपराधी सिंटुल रावत का यह मामले में घटना में संदेही हो चिन्हित कर कड़ी मेहनत लगन और सूझबूझ के साथ लगातार संदेही सिंटुल रावत के तलाश कर दिनांक 11/9/2021 का संदेही सिंटुल रावत का पकड़ा का जौने से उक्त अपराध के घटना कारित करब स्वीकार करब कीन बताबागा और दिनांक 14/7/2021 का तथा एक साथ आरोपी शिव बहावर साकेत निवासी डेमहा सुबह 8 बजे करीब खाए पिए के जुगाड़ में बैठ रहे, यह दौरान मृतका जो है भैंस ढूंढे खीती डेमहा अंतर्गत सोन तरीहा क्षेत्र जो है सोन नदी के किनारे हो के जा रही जो सुनसान जगह में अकेली महिला का देख के ही दुनहुन के नियत खराब हो गए और दुनहु के द्वारा मिलके मृतका का जबरदस्ती पकड़ के इनके साथ गलत काम कीनगा तथा महिला के साड़ी के फंदा बनाए के गला घोट दीनगा उनकर हत्या कर दीन गए। उस शाम का अंधेरा होने पर मृतका के लाश सोन नदी में फेंक दीनगा। आरोपी सिंटुल रावत पिता रामाधार रावत उम्र 30 वर्ष निवासी डेमा मलफा टोला का गिरफ्तार करके आरोपी के कब्जा से मृतका के मोबाइल घटनास्थल के पास झाड़ी से मृतका के जूती आरोपी के बताए अनुसार बरामद की गई। आरोपी के जुर्म स्वीकारोक्त के आधार पर प्रकरण में धारा 376-404 भारतीय दंड विधान का इजाफा कीन गा है। तो यह पूरा मामला रहा जो सीधी पुलिस के द्वारा यह पर्दाफाश कीन गा है, किंतु सबसे बड़ी बात कि आखिर यह 52 दिना मा या इतना बड़ा हत्याकांड के खुलासा आखिर भा है। तो सबसे बड़ी बात कि यह डर के सायमा अब सीधी के लोग जिए का मजबूर है, काहे कि खुलेआम अपराधी जो है अपराध का अंजाम दे के दुई महीना गायब हो जाते और सीधी पुलिस उन तक पहुंच नहीं पावे। सीधी मां अवैध नशा के कारोबार के चलते आए दिन हमें घटनाक्रम आम हो गए हैं, किंतु सबसे बड़ी बात कि पुलिस केवल और केवल अपन पीठ थप दबावे के काम करा थी, जबकि यह पूरा मामला जमोड़ी थाना अंतर्गत आए और 52 दिन बाद यह पूरे मामला के खुलासा हो पावा है। हालांकि पुलिस अधीक्षक सीधी के द्वारा यह पूरे मामला में आरोपी का गिरफ्तार करे खीतिर या पकड़वावे वाले का 10,000 के इनाम के राज के घोषणा की गई रही। अब यह पूरा इनामी राश सीधी पुलिस अधीक्षक के द्वारा जमोड़ी थाना पुलिस का दे के बात कही गई ही। तो सबसे बड़ी बात यह ही कि सीधी पुलिस के भरोसे ना रही, भरोसे खुद के रही, रात बिरात घरे से कम निकरी तो अपने व्यवस्था के अनुसार निकरी, नहीं था सीधी पुलिस का हाल ही
वह सब का मालूम है और यह पुलिस के भरोसे यदि रहा तो शायद अपना के साथ कुछ गलत हो सकत है। तो ऐसे आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।